किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वही हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। हम में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आ जाता है कई बार कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी के मन में भी ये प्रश्न, ये शंका आ गई कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी जब लंका में आग लगाने के बाद जब वापस आए और आकर के प्रभु श्री राम के पास पूरा वर्णन बता रहे थे, उनको बता रहे थे कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं गया था लंका माता सीता जी से मिलने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लंका में मैं आग लगा दूंगा, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं लंका में पहुंचा तो माता सीता को जो है ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेंगे, मैं थक हार चुका था। तब मुझे वहाँ पर एक संत के दर्शन हुए। अब तक तो मैं सोचता था कि भारत में ही जो है संत मिलते हैं, मुझे लंका में संत के दर्शन हुए, और मैं तो सोचता था लंका निसिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लेकिन वहाँ संत विभीषण ने दर्शन दिए और मुझे उपाय बताया कि अशोक वाटिका में आपको जाना है, कैसे पहुँचना है वो सब बता दिया। तब प्रभु मुझे भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले, भक्ति करने वाले विश्व भर में और संत जन विश्व भर में मिल जाएंगे। प्रभु, जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा था कि किस तरीके से संवाद करूंगा, क्या बताऊंगा माता सीता को, कैसे भेंट होगी, कैसे आपका संदेश पहुंचाऊंगा, तभी वहां पर रावण ने प्रवेश किया। रावण अपनी तलवार लेकर के आया और बड़ा क्रोध में था रावण। वो तलवार जो था वो लेकर के माता सीता की तरफ दौड़ा। मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाकर के इसका जो है वध कर देता हूं, इसी तलवार से इसकी गर्दन काट देता हूं। लेकिन तब मैं क्या देखता हूं कि भगवान, रावण की पत्नी रानी मंदोदरी ने आकर के रावण का हाथ थाम लिया, उसे रोक दिया और कहा, नहीं, ये गलती आप नहीं करेंगे। जबकि मैं तो सोच रहा था कि मंदोदरी तो प्रसन्न होती कि बीच का जो रास्ता था साफ हो गया, मैं ही रानी रहूंगी, उसका तो भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया, कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं तब सोच रहा था कि मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन मंदोदरी ने आकर के एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि तुम नहीं होते तब भी यहां माता सीता की रक्षा हो जाती। प्रभु, जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के जा रहे थे तब भी मेरे मन में बहुत कुछ प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना कि त्रिजटा नाम की एक और संत थी वहां, जो कह रही थी कि एक बंदर आया है और लंका में आग लगाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये संत वाणी कहां से आ रही है और ये कैसे जानती है कि मैं यहां पर आग लगाने आया हूं, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के गए रावण की सभा में और वहां पर मुझे बांधा जाने लगा, तो मैंने खुद को छोड़ दिया। मैंने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं करना, मैंने करके सब देख लिया, अब जो है बंद करके देख लेता हूं। मुझे बांध दिया गया। रावण के सैनिक आए मेरी तरफ मुझे मारने के लिए, तब भी मैंने खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, चेष्टा नहीं की, क्योंकि मुझे पता था आपका जो निर्णय है, जो आपकी युक्ति है, जो आपकी योजना है, वो मेरी समझ से परे है। तभी मैं क्या देखता हूं कि विभीषण जो है वो अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि दूत को मारना अनीति होती है, तो अपने आसन से उठ करके जो है सबको चौंका देते हैं, समझा देते हैं, मुझे मारा नहीं जाता, मेरी रक्षा हो जाती है। कौन रक्षा करता है? रावण का भाई। रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करती है, रावण का भाई मेरी रक्षा करता है। और मुझे समझ में आता है कि मैं नहीं होता तो क्या होता, तब भी सब कुछ ठीक होता। और प्रभु, आश्चर्य तो तब हुआ जब रावण ने आदेश दिया अपनी सेना को, सैनिकों को, कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांध करके, तेल डाल करके, घी डाल करके आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वो संतवाणी त्रिजटा जी ने क्यों कहा था कि एक बंदर आया है जो पूरी लंका जला देगा। मैं तो जलाना ही नहीं चाहता था, मुझे कहाँ पता था कि कपड़ा कहाँ मिलेगा, तेल कहाँ मिलेगा, आग कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं थी। लेकिन प्रभु, मैंने उस दिन समझ लिया कि आपको जो कार्य कराना होता है, आप वो कार्य रावण से भी करा लेते हैं तो मैं तो वो कार्य कर ही दूंगा। बहुत छोटी सी कथा है, बहुत छोटा सा रामायण का प्रसंग है जो आंखें खोल देता है और बताता है कि कई लोग जो सोचने लगते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता, आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि हम सब निमित्त मात्र हैं, प्रभु ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है, इसीलिए ज़्यादा सोचना बंद कीजिए। एक बार फिर से वही बात, प्रभु की भक्ति के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है, www.rjkartik.in। कुछ कोर्सेज हैं वहाँ पर, जाइएगा और देखिएगा।